आपका फेवरेट मोबाइल फोन 50,000 रुपए में अवेलेबल है। जी हाँ, ये थोड़ा सा महंगा है, आपकी जेब की पहुंच से बाहर है, पर यही सेम फोन अवेलेबल है एक दूसरे प्राइस पॉइंट पे 55,000 रुपए। अब मेरा आपसे सवाल यह है कि इन दोनों ऑप्शंस में से आप कौन सा प्राइस पॉइंट चूज करेंगे, 50,000 वाला या 55,000 वाला? लॉजिक ये कहता है कि आप 50,000 रुपए इस फोन को खरीदना पसंद करेंगे। आपको हैरानगी होगी ये जान के कि बहुत से लोग, और हो सकता है कि इन बहुत से लोगों में आपका भी नाम हो, इसे 55,000 या उससे भी महंगे दामों पर खरीदते हैं। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, EMI। जी हाँ, ये एक ऐसा जाल है जो ब्रांड्स ने बिछाया है, जिसमें लोग महंगी चीज को और महंगे दामों पे खरीदने के लिए हामी भर देते हैं। क्यों? क्योंकि बजाय 50,000 देने के, आज उनको ये समझ में आता है कि मुझे हर महीने 3,000 देने हैं। अच्छे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या EMI पे चीजों को खरीदना चाहिए या नहीं? सवाल फिर अब ये पैदा होता है कि आप एक महंगी चीज को उससे ज्यादा महंगे दामों पे क्यों खरीदें? देखिए, अगर मैं एक ब्रांड होता और मुझे पता है कि ये मोबाइल फोन आपका चाहिदा है, और मुझे ये भी पता होता कि आपकी जेब में इतने पैसे नहीं है कि आप इसे खरीदें, तो मेरी एडवाइस आपको क्या होती? बॉस, ये आपकी पहुंच के अंदर है, आप तो खरीद सकते हैं, बल्कि 50,000 नहीं, आपको तो 3,000 रुपए देने हैं। मैं आपका सारा फोकस डाइवर्ट करके इस चीज पे ले आता कि ये डूएबल है और बड़ी आसानी से। लेकिन मैं एक ब्रांड नहीं हूं, मैं आपका दोस्त हूं, और मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं आपका फोकस कहीं और डाइवर्ट कर रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो 50,000 रुपए तुम देने वाले थे वो तुम्हारे हैं, अब तुम साथ में 5,000 दे रहे हो। इमेजिन, इस 5,000 का तुम कुछ और खरीद सकते थे, कोई और प्रोडक्ट, कोई और सर्विस, कुछ भी, पता नहीं कितना खाना मंगा सकते थे, लेकिन अब आप ये नहीं कर पाओगे और ये 5,000 भी आपके हैं। तो फिर एक सवाल पैदा होता है कि सही राह खरीदने की क्या है? देखिए, सही राह खरीदने की यही है कि जितने का वो फोन है उतने पैसे आप कमाए, अर्न करें, और उतने पैसों का वो फोन खरीदें। अब सवाल पैदा होता है कि तो फिर क्या EMI पे कुछ भी नहीं लेना चाहिए? जी नहीं, मेरे हिसाब से ऐसी एक या एट मैक्स दो चीजें हैं जो आपको EMI पे ले लेनी चाहिए, अगर आपको उन चीजों को खरीदने के पैसे नहीं है। जब भी आपकी जेब से पैसे निकलते हैं वो दो वर्टिकल्स में जाते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट, जो कि एक बहुत छोटा वर्टिकल होता है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, और एक बड़ा वर्टिकल होता है एक्सपेंस। जो एक्सपेंसेस होते हैं, इनसे हम वो चीजें खरीदते हैं जो डिप्रिशिएट होती है। मान लीजिए आपने मोबाइल फोन खरीदा या फिर आपने कार खरीदी, जैसे ही आपके नाम पे वो RC बन गई, जैसे ही कार आपको बिक गई, उस कार की डिप्रिसिएशन शुरू हो गई। आप शोरूम से बाहर निकलते ही ये कार किसी और को बेचना चाहेंगे, आपको शोरूम से कम दामों में ही ये कार को बेचनी पड़ेगी, क्योंकि कोई इंसान सोचेगा कि ये तो अब कार सेकेंड हैंड होगी भाई, चाहे तुमने 5 मिनट पहले ली, मैं तो शोरूम से जाके खरीदूंगा। इस वाली ऑप्शन एक्सपेंसेस हमेशा डिप्रिशिएट होते हैं। वो मोबाइल फोन जो आपने 50,000 का लिया था, अगर आप बेचने जाओगे तो वो 50,000 से कम का बिकेगा। लेकिन वो चीजें जो कि इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्जांपल होम लोन, आपने एक घर खरीदा, उसके लिए बैंक से लोन लिया, अब आप बैंक को EMI वापस करते हो, ये वाला ऑप्शन ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक एसेट क्रिएट कर रहे हो जो कि अप्रिशिएट होगा। यहां पे आपके पास एक असेट था जो कि डिप्रिशिएट होगा। होम लोन वाली EMI में एक और फायदा है कि इनकम टैक्स ऑफिस आपको बेनिफिट देता है जितना आप इंटरेस्ट पे करते हो बैंक में, तो इट्स अ गुड थिंग फॉर यू। इसके अलावा एजुकेशन लोन एक ऐसी चीज है जो कि आपको बाय कर लेना चाहिए अगर आपके पास पैसे नहीं हो। दिस इज द सेकंड कैटेगरी, क्योंकि एजुकेशन एक एसेट है जो कि ग्रो कराएगा आपको। आपने आज एक एजुकेशन लिया, आप पढ़ लिख गए, कल को आप नौकरी करेंगे, उससे पैसे कमाएंगे। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट जो कि आप खरीदोगे अपने लिए, जो कि अप्रिशिएट करेगा। इनके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कार लोन्स मिल रहे हैं, अलग अलग तरह की EMIs मिल रही हैं, दिवाली और दशहरा के आसपास बहुत सारी EMIs लेके ब्रांड्स आ रहे होते हैं। मेरी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि आप इन EMIs से दूर रहें, इस इंटरेस्ट को अपने लिए बचाएं और इस इंटरेस्ट से दूसरी चीजें खरीदें। आज की वीडियो में इतना ही था। मुझे बताइएगा कि
कमेंट्स में कि आपकी क्या राय है, और मुझे ये बताइएगा कि आपने आखिरी चीज़ ईएमआई पे कौन सी ली थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ ली है ईएमआई पे, और वो है होम लोन। चलिए इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। मुझे बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसा लगा, वो आखिरी चीज़ जो आपने ईएमआई पे खरीदी थी उसके बारे में बताइएगा, और अगर इस वीडियो ने आप की सोच को थोड़ा सा बदला है तो प्लीज़ लेट मी नो, और हो सके तो इस वीडियो को आगे अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी और इंसान को इसकी ज़रूरत हो, और ख़ास करके अपने उस दोस्त के साथ ज़रूर बांटिएगा जो कि ईएमआई वाली ज़िंदगी जी रहा है। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत आपका, फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ।